अरे असू से मुख का दो तारहु हे बाके ब्रजमंडल का ही सितारा नहीं जगती तल का उजियारा है तो मनमोहकता तुझ में इतनी सबके मन को अति प्यारा है तू यह जीवन क्यों ना न्युछावर हो यह जीवन क्यों ना न्युछावर हो इस जीवन का सहारा है तू हे बाकी बिहारी देर न कर मने मोहन प्राण हमारा है तू मने मोहन प्राण हमारा है तू जय राधे 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 जय गिरिधर गोपाला जय राधे 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 जय गिरिधर गोपाला जय श्यामा 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 जय जय नंदलाला जय
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस में जिस घड़ी का हम सबको इंतजार था, पूज्य देवी जी हमारे बीच में व्यासपीठ पर विराजमान हो चुकी हैं और बड़े ही सब लोगों के चेहरों पर प्रसन्नता झलक रही है। और इसी तरीके से 7 दिन तक इसी प्रसन्नता के साथ श्रीमद् भागवत कथा का हम श्रवण करते रहेंगे। अभी व्यास जी का पूजन, भागवत जी का पूजन सब समापन हो चुका है। हम लोग भागवत जी की आरती करेंगे और आरती के लिए इस संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा के आयोजिका, क्योंकि ये महिला है, माता है और बड़ा ही उनका सुंदर भाव देवी जी के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति, श्री नमिता पंकज पाठक जी जो कि मंच पर हैं, जोरदार तालियों से उनका हम अभिवादन करते हैं। उन्होंने इस संपूर्ण आयोजन का श्रेय अपने ऊपर लिया, इस संपूर्ण आयोजन के आपके लिए हमारे लिए किया। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए श्रीमद् भागवत जी की आरती की ओर चलेंगे। मुख्य यजमान जी हमारे मंच पर हैं और आप सब लोग भी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के भाव के साथ भागवत जी की आरती का दर्शन और श्रवण करेंगे। श्री राधे। श्री राधे। तो आइए आप हम सभी मिलकर चलते हैं दिव्य मंगलमय आरती की ओर। तो सभी भगवत प्रेमी भक्तगणों से निवेदन, आप सभी अपने यथा स्थान पर खड़े होकर मंगलमय आरती का दर्शन करें। ओम ज्वालामालिनी नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थ गंधक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम निदगुं हविः प्रजननम् मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं सुतये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्य भय शनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु वन्नं वयोरेतुम् अस्मा सुधत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह
पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि गान यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से पाप से है तार यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला यह सुख करनी यह दुख हरनी हरि ओम एक दंडाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंदिः प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम गणयंबिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्ना गौरिः प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपतिनी च धीमहि तन्ना लक्ष्मीः प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरि ओम अंजनीः श्रुताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् हरि ओम गहसुरभ्ये च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्ना कामधेनुः प्रचोदयात् मल्ले भवान् मौलिकले दले चाम मालां विशालां तुलसीदलेनां सपुष्कराणां सुमनोहराणां मनोहराणां उपसर्पयामि नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालुद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्रीमद् भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः बोलिए भागवत महापुराण की वृंदावन बिहारी लाल की व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की राधा रानी सरकार की सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हरि ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसदावाः स्वस्तिनः पूका विश्वावेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो आरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेखादिष्वा मरुतः पृश्नी मातरः शुभञ्जावानोऽभिदधे खुजगमायाः अग्निजिह्वा मानवः शूरदक्षसो विश्वेनो देव अवसागमन्निहं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाक्षाभिर्जातराहं स्थिरैरङ्गैस्तुष्टो वागुंसस्तनोभिर्व्यशेमहि देवहितञ्जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्तिदेवं धृतराणश्चकराजरसन्तनूनां पुत्रासो जतरापितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिकतायुर्गन्तोः आदितर्जौरादितिरन्तरिक्षमादिर्माता
स्थापिता शापुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितर्जातामादितर्जानितवान्मा द्यौः शान्तिरान्तरिक्षध्वं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिः पर्वतयः शान्तिर्विश्वे देवाहं शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षामा शान्तिरेव जतो यतः शमीहते ततो अभयं कुरु शन्नहं कुरु प्रजाभ्यो भयन्नहं पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, राधा रानी सरकार की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर हम बैठ जाएंगे और जो भी मंच पर आए हुए हमारे श्रोतागण, मुख्य यजमान व वैदिक टीम के पंडित लोग, उन सभी से निवेदन कि वो भी अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जो भी भक्तजन श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए इस पांडाल में आए हुए हैं, विराजमान हैं, उन सभी का वर्ल्ड संकीर्तन टू ट्रस्ट की ओर से सभी का बहुत बहुत हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। और आज ये जबलपुर की धरा, जहां सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ होने जा रहा है, शहीद स्मारक गोल बाजार के नाम से जैसे जाना जाता है, वहां से यह कार्यक्रम आस्था टीवी चैनल के माध्यम से सीधा प्रसारण भी किया जा रहा है। तो टीवी चैनल के माध्यम से भी जो लोग हमें श्रवण कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। इस श्रीमद् भागवत कथा के मुख्य आयोजक श्री नमिता पाठक जी, नमिता पंकज पाठक जी, जो इस कथा के संपूर्ण आयोजक हैं, मुख्य यजमान हैं, जिन्होंने इस संपूर्ण आयोजन का श्रेय अपने ऊपर लिया है, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक वंदन करते हैं कि उन्होंने आप सभी श्रोताओं के लिए, आपके कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए इस श्रीमद् भागवत कथा का श्रेय अपने ऊपर लिया। तो जोरदार तालियों से उनका हम अभिवादन करते हैं। और मैं चाहूंगा श्रीमती नमिता पाठक जी वो मंच पर आए और देवी जी के द्वारा उन्हें पुष्प रूपी माल्यार्पण कर उनका आशीर्वाद सम्मान प्राप्त करें। श्रीमती नमिता पाठक जी, बड़ा ही सुंदर उनका भाव है, कई बार हम लोग भी यहाँ आकर के उनसे मिल चुके हैं। जिस प्रकार उन्होंने इस श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन के लिए अपनी भावनाएं व्यक्त की, वो सब आप श्रीमद् भागवत कथा के सात दिनों तक श्रवण भी करेंगे, दर्शन भी करेंगे। तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिवादन करते हैं श्रीमती नमिता पाठक जी। जिस प्रकार देवी जी भी इसी बात को बता रही थी कि बचपन से वो श्रीमद् भागवत कथा कर रही हैं, पूज्य देवी जी 7 साल की उम्र से श्रीमद् भागवत कथा कर रही हैं, और नमिता जी ऐसे कार्यों में वो भी बड़े ही अपने बचपन से लगी हुई हैं भागवतकार सत्कार्य कराने में। तो दोनों ही एक आभूतियां आपस में परस्पर मेल खाती हैं। उनका स्वभाव, भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम, वो भी बड़ा ही उल्लेखनीय है। आप लोग 7 दिनों तक उसका भी दर्शन करेंगे। पूज्य देवी जी के बारे में भी थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी, आज प्रथम दिवस है, क्योंकि कुछ लोग टीवी चैनल के माध्यम से जानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो जबलपुर में, क्योंकि देवी जी का प्रथम बार जबलपुर की धरा पर आगमन हुआ है। पूज्य, अच्छा, जोर से तालियों से स्वागत करिए एक बार पूज्य देवी जी का, जबलपुर की धरा पर प्रथम बार वो यहाँ आपके यहाँ पर आई है, और ऐसे सत्कार्य के लिए कि 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा आपको श्रवण कराने के लिए। तो आप लोग भाव के साथ 7 दिन तक कथा श्रवण करेंगे।
कथा श्रवण करते हुए भी आपको जो देवी जी का प्रकल्प है, क्योंकि देवी जी बहुत छोटी सी उम्र में एक गौ माता को लेकर के अपना प्रकल्प भी लेकर के चल रही है, गौ सेवा धाम हॉस्पिटल है उसको देवी जी चला रही है। ब्रज की धरा पर अनेकों बीमार गौ माता या रोड पर एक्सीडेंट गौ माता या घर की गौ माता जो बीमार हो, ऐसी सेवा भी देवी जी ब्रज के अंदर गौ सेवा धाम हॉस्पिटल चला रही हैं। तो आप लोग कथा का श्रवण कर ही रहे हैं, साथ के साथ उन बीमार गौ माताओं का, एक्सीडेंटल घायल बीमार गौ माता जो ब्रज की धरा पर, जहां भगवान श्री कृष्ण गौ माता को इतना प्रेम करते थे, आज वही गौ माता की ये दुर्दशा है। और उस दुर्दशा को हम सब लोग देखते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। क्या कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि बीमार गौ माता का इलाज एक आम आदमी नहीं कर सकता। उसके लिए जैसे आदमी बीमार होता है उसके लिए हॉस्पिटल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार यदि गौ माता रोड पर एक्सीडेंट हो या बीमार हो या कैंसर की भी बीमारी हो, उस सब के लिए देवी जी ने एक स्वच्छ और स्वयंपूर्ण रूप से गौ सेवा धाम हॉस्पिटल ब्रज की धरा पर चला रखा है। आगे जो 7 दिन आएंगे उनमें हम आपको संपूर्ण जानकारी हॉस्पिटल के बारे में देते रहेंगे। और आज हम लोग नवरात्रि का इतना पावन शुभ अवसर गया, आज दशहरा का अवसर, इतने सुंदर पावन दिवस और आज प्रथम दिवस श्रीमद् भागवत कथा का, इसका हम लोग श्रवण करेंगे। आइए उसके लिए पूज्य देवी जी से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस में हम सबको प्रवेश कराएं और श्रीमद् भागवत कथा की कथा का श्रवण कराएं। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री कृष्ण जय गौ माता।
चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद्भागवत गंगा के प्रथम दिवस में प्रवेश करें। सभी हरिभक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। इस नवरात्र के पावन अवसर पर और आज विजयादशमी, जिसको आप हम सब दशहरा के रूप में मनाते हैं, समग्र विश्व को व्यासपीठ की ओर से नवरात्र की और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। कहते हैं आज धर्म की स्थापना हुई, सत्य की असत्य पर विजय हुई। आज का दिन विजय का दिन है, सत्य का दिन है, धर्म का दिन है। जब जब पाप बढ़े, अत्याचार बढ़े, तो भगवान किसी न किसी रूप में आकर के अवतार लेते हैं और पापियों का उद्धार करते हैं। लेकिन आज तो कलयुग है, कलयुग में राम आए त्रेता में, आए कृष्ण आए द्वापर में आए। कलयुग में न राम आए न कृष्ण आए, क्यों? क्योंकि कलयुग के पापों को, अत्याचारों को खत्म करने के लिए भगवान की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए तो भगवान की ये पावन कथा ही काफी है। उस समय उस रावण का उद्धार प्रभु ने किया और आज उनकी कथा हमारे भीतर बैठे हुए पाप वृत्ति का जो रावण है उसको खत्म करती है। क्योंकि सिर्फ रावण को जलाने से बुराई नहीं मरती है। किसी शायर की बात मुझे याद आती है, जरूरत है अपने जहन में राम को जिंदा रखना, जरूरत है अपने जहन में, अपने दिल में राम को जिंदा रखना, क्योंकि पुतले जलाने से कहीं रावण नहीं मरते। मैं उस परंपरा के विरुद्ध में नहीं हूं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, आप सब भी आज देखते होंगे
न्यूज चैनलों पर सब जगह बताया जाता है, जबलपुर का रावण इतने फिट लंबा है, फलाने शहर का इतने फिट लंबा है, फिर बताएंगे कि भारत का सबसे लंबा रावण कहाँ बनाया गया। अब का तो मुझे पता नहीं अब की बार कहा, पर पिछली बार बताते थे कि 20 लाख रुपए का रावण बना है सबसे लंबा, उसको एक क्षण में जला देते। भागवत ने या संतों की कृपा से मुझे जितनी बुद्धि प्राप्त हुई है, बहुत छोटी सी बुद्धि है, लेकिन उससे मेरा विचार कहता है कि बुराई का नाश हो ये अच्छी बात है, लेकिन बुराई का नाश होगा कब? बोले तुम अच्छाई की स्थापना कर दो, बुराई का नाश अपने आप हो जाएगा। आज हम यहाँ क्यों बैठे हैं? आज हम बड़े बड़े पुतलों को नहीं जला रहे, आज हम, वैसे आप सब संध्या को शायद जाओगे, जहां भी हो सब जलता होगा आपके ग्राउंडों में, पार्कों में, दशहरा के दिन होता है ना, सब शहर में एक ना एक दशहरा ग्राउंड होता है, वहां रावण जलता है। लेकिन बुराई को नष्ट करने से ज्यादा है एक अच्छाई स्थापित करो तो बुराई अपने आप नष्ट हो जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएगी। क्योंकि आज हम सब, हजारों वर्ष बीत गए, आज भी रोज रावण को जलाते हैं। इसका मुख्य आधार क्या है कि आदमी की पहचान उसके कर्मों से होती है। अच्छे कर्म किए होते तो आज वो भी माँ दुर्गा की तरह पूजा जाता, यद्यपि रावण में बहुत अच्छाइयां भी थी, वो हम सब गिन नहीं सकते। वो क्या थी वो आज समय नहीं, हम कल चर्चा करेंगे विशेष रूप से। लेकिन अच्छाई की स्थापना हो इस कथा के द्वारा, घर घर में राम का प्रागट्य हो, एक हमारे कोई प्रसिद्ध भजन गायक थे, उनका एक भजन बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। राम नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन राम कथा तो हमारे पास है। कृष्ण नहीं है तो क्या है, कृष्ण की कथा तो हमारे पास है। और जब तक हमारे पास कथा है, जब तक हमारे पास भगवान की ये दिव्य पावन वांग्मयी मूर्ति है, तब तक कोई बुराई हमारे ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकती। क्योंकि भगवान की प्राप्ति और भगवान की कथा की प्राप्ति दोनों एक है, कोई फर्क नहीं, दोनों एक है। इसलिए हम सब आज इस कथा के प्रथम दिन में प्रवेश कर रहे हैं, हम प्रयास करेंगे कि इन 7 दिनों में हमें प्रेम की प्राप्ति हो, श्री ठाकुर जी की प्राप्ति हो। जैसे एक स्टेशन होता है, उस स्टेशन से हर शहर के लिए ट्रेन जाती है, आपको दिल्ली जाना है तो पैसा चुकाइए और दिल्ली की ट्रेन पकड़िए, आपको कलकत्ता जाना है तो टिकट खरीदिए और कलकत्ता जाइए। वैसे जीवन क्या है, बोले जीवन भी एक यात्रा है, यहाँ हर ओर ट्रेन जा रही है, पाप की गठरी इकट्ठा करके टिकट मिलती है नरक की, और सत्संग से पुण्य इकट्ठा करके टिकट मिलती है सीधे गोलोक धाम की। इतने सत्कर्म हम इकट्ठा कर लें कि सीधा हमें भगवत धाम जाने को मिले। भगवान की कथा जगाने का काम करती है। दुनिया से भाग जाना बहुत आसान है, लेकिन जाग जाना बहुत मुश्किल। कथा जगाती, कथा भगाती नहीं है कि घर बार छोड़ छाड़ के चले जाओ, बाबा जी हो जाओ, हो जाओ तो वो तो अलग बात है, पर होता कौन आज के समय में। भागना नहीं है, बस जागना है, और जिस दिन जाग गए उस दिन हमारे हृदय में
जो भगवान हम मंदिरों में ढूंढते हैं, जो ईश्वर हम तीर्थों में ढूंढते हैं, वो भगवान का प्राकट्य हमारे हृदय में हो जाएगा। कथा का एक फल और है। क्या बोले, आप बिहारी जी जाओ या आपके जबलपुर में कोई प्रसिद्ध मंदिर है, आप वहां जाओ, आप ठाकुर जी का दर्शन करोगे, आपकी आंखों से आप भगवान को देखोगे, आंखों से दर्शन करोगे, सिर्फ आपकी आंखों को सुख मिलेगा, सिर्फ आंखों को आनंद मिलेगा, लेकिन कथा में आपके शरीर का हर अंग, आपके शरीर का रोम रोम भगवत प्रेम में ओतप्रोत हो जाता। यहाँ आप गाते भी हो, यहाँ आप ताली भी बजाते हो, यहाँ आप नाचते भी हो, कभी कभी हंसते भी हो तो कभी कभी रोते भी हो, हर अंग आपके शरीर का कथा में बन जाता है। कथा हमारे शरीर को सजा देती है, कितना सुंदर सजाती है। बोले एक स्त्री जब श्रृंगार करती है तो क्या क्या पहनती है, माताओं को अनुभव है, क्या पहनती है, चूड़िया पहनेगी, कानों में पहनेगी, गले में पहनेगी, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनेगी, माथे पर बिंदिया लगाएगी, मांग में सिंदूर भरेगी। कथा भी वैसे श्रृंगार करती है। क्या बोले, कथा कानों में कथा श्रवण के कुंडल पहना देती है, संत चरण की बिंदिया लगा देती है, गुरु चरण की रज से हमारी मांग भर देती है, हमारे हाथों में संकीर्तन की चूड़ियां पहना देती है। जब कथा में हम नृत्य करते हैं तो हमारे पांव में नृत्य के नूपुर बांध देती है, हमारे नाक में कृष्ण के चरण की तुलसी के गंध की नथिनी पहना देती है, हमारे कंठ में अनुराग लसित कंठाहार पहना देती है, और इतना सुंदर श्रृंगार करती है कि जैसे एक लड़की के जब लड़का देखने आए तो उसको सुंदर श्रृंगार करके जब उसकी सहेलियां उसको दिखाने के लिए लेके आती हैं तो लड़का देखते ही पसंद कर लेता है, वैसे ही कथा इतना सुंदर श्रृंगार करती है कि जब हमारे गुरुदेव हमारा हाथ पकड़ के श्री ठाकुर जी के सामने लेके जाते हैं तो ठाकुर जी देखते ही हमें पसंद कर लेते हैं। इतना सुंदर श्रृंगार करती है कि कोई बड़े से बड़ा ब्यूटी पार्लर भी फेल हो जाए। इतना सुंदर सजाती है कि ठाकुर जी मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। इतना सुंदर श्रृंगार। हम सब भाग्यशाली हैं कि हम सबको प्रभु ने ये अवसर दिया है। एक बार नहीं, बार बार इस कथा को सुनो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, टीवी पर भी जो देख रहे हैं, उनमें से भी बहुत ऐसे होंगे जो मुझसे अधिक ज्ञान रखते हैं, मुझसे बहुत अधिक ज्ञान रखते हैं, पर फिर भी वो कथा सुनते हैं। आप भी यहाँ बैठे, आप सब अज्ञानी नहीं है, आप सबके अंदर ज्ञान है, आप सब विद्वान है, फिर भी आप कथा सुनते हैं, बार बार सुनते हैं। क्यों? क्योंकि कथा को बार बार सुनने से विवेक बढ़ता है। विवेक बिना सत्संग के प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में वर्णन किया, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग सोई।
नहीं हो सकता, ये सत्य बात है। लेकिन सत्संग भी राम कृपा बिन सुलभ ना सोई, उसकी कृपा के बगैर सत्संग प्राप्त हो नहीं सकता। अगली चौपाई में कहा, राम कथा शशि किरण समाना। राम कथा क्या है? बोले शशि किरण, चंद्रमा की रोशनी के जैसी। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, महाराज जब भी प्रकाश की तुलना की जाती है तो सब लोग सूरज से करते हैं, आपने चंद्रमा से क्यों की, सूरज से क्यों नहीं की? बड़ा सुंदर भाव है। कहते हैं कि सूरज में तो सब दिखाई देता है, तुम संभल के चल सकते हो, लेकिन खतरा रात को ज्यादा होता है, कब ठोकर लग जाए। तो उस ठोकर से बचाने का काम अंधेरे में चंद्रमा करता है, वैसे ही जीवन में हर ठोकर से बचाने का काम प्रभु की कथा करता है। इसलिए चंद्रमा की रोशनी के समान है, जो रात को भी तुम्हें गिरने ना दे, संभल के चलना सिखा, ऐसी प्रभु की एक कथा है। ये सत्संग समस्त बुराइयों से हमें बचाता है। आप 3 घंटे यहां बैठते हो बिल्कुल निर्दोष, 3 घंटे ना आपके अंदर कोई कपट होता है, ना आपके अंदर कोई ईर्ष्या होती है, ना आपके अंदर क्रोध होता है। ये सब बीमारियां तो पंडाल से बाहर जाके शुरू होती है, पंडाल में तो एकदम सब निर्दोष होते हैं, कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, पूरा मन व्यक्ति का शुद्ध है, वाणी शुद्ध है, कोई गलत काम हम इन 3 घंटे में चाह के भी नहीं कर सकते। तो अगर ये जीवन के 7 दिन के 3 घंटे हमारे जीवन में हमें बुराइयों से दूर रख सकते हैं, तो विचार करो अगर हम अपना पूरा जीवन सत्संग में बना दें, तो कभी हम क्या किसी बुराई की तरफ आकर्षित हो सकते हैं? कभी। इसलिए बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, करती है। सबसे पहले कथा तन की शुद्धि करती है। तन गंदा हो और तुम कथा में आके बैठो तो कथा तुम्हारे समस्त तन को स्वच्छ कर देती है। कथा धन को शुद्ध करती है, धन शुद्धि। जितना भी कार्य, जितना भी धन किसी सत्कार्य में लगाया जाता हो, शुद्ध हो जाता, धन की शुद्धि करती है। और सबसे बड़ी बात, कथा मन की शुद्धि करती है। तन की शुद्धि बाहर से भी कर सकते हो, पानी डाल करके डेली हम स्नान करते हैं, या कुछ तो महान लोग होते वो बारिश का ही इंतजार करते हैं साल में एक बार। तन को शुद्ध करती है, धन को शुद्ध करती है, और कथा हमारे मन को शुद्ध करती है। सत्संग, सत्संग को सिर्फ कुछ बाउंड्रियों में मत बांधना। सत्संग संकीर्ण नहीं है, सत्संग विशाल है, सत का संग। निरंतर आनंद, निरंतर आनंद।
हम सबके जीवन में एक चीज का अभाव है, वो है आनंद का भाव। इसलिए हम सब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं आनंद की खोज में, शांति की खोज में। और भौतिक चीजों से हमें वो आनंद कुछ समय के लिए मिल भी जाता है पर फिर वापस भाग जाता है। निरंतर आनंद नहीं है कि 24 घंटे हम सुखी हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कहता। लेकिन जिसने सत्संग की शरण पकड़ी है उसका जीवन पूरा आनंद में होता है। जो सत्संगी है वो कहता है कि हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले। निमंत्रण दिया जा रहा है कि आओ तुम्हें आनंद में जीना सिखाया जाएगा, तुम इस कथा शिविर में आओ, तुम्हें पता चलेगा कि वास्तविक आनंद क्या है। हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले, झंझटों से भाग जाना चाहे जिससे सीख लो, पर झंझटों में रह के जीना कोई हमसे सीख ले। दुख में दुखी सुख में सुखी रहना सभी नर जानते। दुख आएगा तो रो देंगे, सुख आएगा तो हंस देंगे। दुख में दुखी सुख में सुखी रहना सभी नर जानते, पर हर समय परमानंद में रहना कोई हमसे सीख ले। भागवत निमंत्रण दे रही है कि तुम इसकी शरण में आओ तो सही, तुम्हारा जीवन आनंद से मुस्कुराहट से ना भर दूं तो कह। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बेचारे सदियों से हंसे ही नहीं, सदियों से नहीं हंसे, उनके चेहरे पर जब देखो एक उदासी छाई रहती। कथा मुस्कुराना सिखाती है, कथा आनंद में रहना सिखाती है। इसलिए इन 3 घंटों में, इन 7 दिनों में हम सब ये प्रयास करें कि अपने जीवन को, इन कुछ समय को हम अपना जीवन ये देकर के भागवत को एक नया जीवन जिए, जिसमें प्रेम हो, शांति हो, आनंद हो, जो ईर्ष्या से मुक्त हो। ये घड़ी ये क्षण कभी आए या ना आए क्या पता, किसी मशहूर गायिका की एक गजल है, वक्त की कैद में गजल है, पर अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर एक गजल सुनने से तुम
हमारा शुभ प्रकट हो तो वो भी सत्संग, ये भी सत्संग। वक्त की कैद में जिंदगी है, मगर हर आदमी समय से लड़ रहा है, उसके पास समय नहीं है, जिंदगी से लड़ रहा है, लेकिन चंद घड़ियां यही हैं जो आजाद है। ये 3 से 6 बजे का जो समय तुम्हारे पास हमारे पास है, ये आजाद है, ये वास्तविक जीवन है। इसके बिना जो हम जी रहे हैं वो जी नहीं रहे, समय काट रहे हैं। यहाँ सत्संग में हम जीते हैं, इनको खोकर मेरे जाने जा। हे गोविंद, हे प्रभु, इनको खोकर उम्र भर ना तरसते रहो, इनको खो दिया तो कहीं बाद में पछताना ना पड़े, इसलिए इनको पकड़ लो। इन समय का सबसे अच्छा समय है अपनी इस आत्मा को पहचान। क्या होता है, एक कोई आदमी भगवान के पास गया, भगवान प्रकट हुए, उसने कहा भगवान मुझे ऐसा वरदान दो जो आज तक आपने किसी को इतिहास में नहीं दिया। अब थोड़ी देर तो भगवान भी चक्कर में पड़े, ऐसा कौन सा वरदान है जो आज तक हमने किसी को नहीं दिया। तो कहा कि भैया ठीक है जा, तुझे वरदान दिया क्या, बोले तेरी परछाई किसी को दिखाई नहीं पड़ेगी, ऐसा वरदान जो आज तक किसी को नहीं दिया। उस आदमी को लगा वरदान मिल गया, अब मेरी बड़ी इज्जत होगी, लोग कहेंगे इसकी परछाई दिखाई नहीं दे रही, ठाकुर जी से वरदान लेके आया है, मेरा सब सम्मान करेंगे। लेकिन जैसे पहुंचा बाजार में, सबने देखा आदमी तो खड़ा है पर परछाई नहीं दिखाई दे रही। तो क्या बोलते जिसकी परछाई नहीं दिखाई देती हो, क्या बोलते, बोले जिसकी परछाई नहीं दिखाई वो भूत प्रेत होता है। अब जैसे सबने देखा कि परछाई नहीं दिखाई दे रही, तो सब अपनी अपनी दुकानों में घुस गए। वो जिस दुकान पे जाए तो दरवाजा बंद। उसने सोचा अरे भाई ये सब दरवाजा क्यों बंद, हमसे इतना डर क्यों रहे, अरे हम भगवान से वरदान प्राप्त करके आए, तुम्हें तो हमारे चरणों में गिरना चाहिए, तुम भाग रहे हो, सब चुप रहे, सब चुप रहे। उसने सोचा ये सब तो पागल हो गए, चलो घर वालों को दिखाता हूं। अब घर गया तो बीवी बाहर खड़ी थी, पतिदेव आ रहे होंगे, पतिदेव आए तो पर परछाई, पत्नी घबराई, जो अब तक बड़े प्रेम से सेवा करती थी वो सब दूर दूर भाग रहे हैं, बाल बच्चे दूर भाग रहे हैं, सब छुप गए। 24 घंटे में वो वरदान श्राप बन गया। अब आप विचार करो, जिसने जिसकी परछाई गायब हुई हो उससे आप नजर मिलाना पसंद नहीं करते हो, परछाई खोई है उस व्यक्ति को हम प्रेत समझते हैं, हमारी परछाई नहीं, हमने तो अपनी आत्मा को खोया है, हमारी क्या हालत होगी। परछाई खो जाए बड़ी बात नहीं, लेकिन हमने अपने आत्मा को खोया है, आत्म तत्व को खोया है, हमारी दशा क्या होगी। शरीर को अपना मान लिया लेकिन आत्मा को भूल गए। इसलिए संतों ने सावधान करते हुए हमसे कहा है कि अरे मानव तेरे पास बड़ा कम समय है, कब दुनिया से चले जाओगे पता नहीं चलेगा, अपने जीवन को ऐसा बना कि सदियों तक लोग याद रखें, अच्छे कर्म के लिए याद रखें। याद तो रावण भी है लेकिन हर बार जलाया जाता है। आदमी की पहचान उसके कर्मों से होती है, वरना महंगे कपड़े तो कपड़ों की दुकान में पुतले भी पहन के खड़े होते हैं। पहचान कर्मों से होती है। जन्म सबका एक जैसा होता है लेकिन मरण को बदला जा सकता है।
कथा मृत्यु सिखाती है, खुलेआम निमंत्रण है, कथा मृत्यु सिखाती है। जिसको मृत्यु सीखनी है आ जाओ। अब आप कहोगे क्या पहले दिन से ही मृत्यु की बात लेके बैठ गए, कल से आना बंद, हमें अभी थोड़ी मरना, हमारी तो बड़ी लंबी उम्र बाकी है। अरे भैया जीवन का किसी को नहीं पता, किसी का एक क्षण का नहीं पता, कोई एक एक सेकंड की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए संतों ने सावधान करते हुए कहा, सोच ले ओ समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी, सोच ले ओ समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी, सोच ले ओ समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी, सोच ले ओ समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी, सोच ले ओ समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। श्यामा श्याम नाम तेरे बने बिगड़े का, जप ले श्यामा श्याम नाम तेरे बने बिगड़े काम, जप ले श्यामा श्याम नाम तेरे बने बिगड़े का, नहीं तो छूट जाए राजधानी, सोच ले ओ समझ ले प्राणी, सोच ले ओ समझ ले तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। Thank you.
तुझ पर मेहरबान होगा। जन्म में तू अच्छा इंसान होगा, जन्म में तू अच्छा इंसान होगा। द्वारा उस जीवन को प्राप्त करना है, उस आत्मा की खोज करनी है।
जिसको आप हम सब भूल चुके हैं, क्योंकि कथा किसी व्यक्ति को सिद्ध नहीं करती है। आप यहाँ आए कि हमें सिद्धि प्राप्त हो जाए, नहीं नहीं, आप गलत जगह आए। कथा सिद्धि प्राप्त नहीं कराती, कथा सिद्ध नहीं करती। आप कथा सुनकर के सिद्ध नहीं, कथा सुनकर के शुद्ध होते हो। सिद्धि की लालसा प्रकट नहीं करती है, लालच नहीं देती है, कृष्ण मिलन की लालसा प्रकट कथा करती है। कथा का हर एक शब्द हम और आप सब, आप यहां क्यों आए हैं, मैं यहां क्यों आई हूं, हमारे इस श्रीमद् भागवत कथा की जो हमारे आयोजन करता है श्रीमती नमिता पंकज पाठक जी, उनके धर्मपति, उनका परिवार, उन्होंने ये कथा क्यों कराई, आप सब यहां क्यों आए हैं, देवी चित्रलेखा को देखने, नमिता जी को देखने, या आस्था पे अपना चेहरा दिखाने। हम बैठेंगे तो हम भी देखेंगे। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कैमरा घूमता तो फोन घुमाने लगते कि देख देख आ रहा हूं मैं भी टीवी पर, और एकदम ऐसे बैठे होंगे पर कैमरा होती ऐसे हो जाते हैं। चलिए अच्छा, कम से कम देख करके अलर्ट तो होते, तो दो तीन बार घुमा देना चाहिए कैमरा जो। खैर विनोद की बात है, बाकी आप सब टीवी के लिए थोड़ी आए, आप यहां क्यों आए हो, टेंट को देखने, माइक सिस्टम को देखने, म्यूजिशियन कलाकारों को देखने, बोले नहीं, मेरा आपका हर एक प्राणी का इस कथा को करने का, सुनने का, कराने का एक ही उद्देश्य है कि इस कथा के माध्यम से हमें उस परम तत्व को जानना है, उसको पाना है, उस तक पहुंचना है। ये भाव लेकर के अगर आए हो तो आप सही जगह पर हो, अगर कोई दूसरा भाव लेके आए हो तो कृपया सावधान हो जाइए। तुम या ये भाव लेके आए हो कि कथा हमारी इच्छाएं पूरी कर दे, कर देगी, कोई दोराया नहीं, जरूर पूरी करेगी कथाएं तुम्हारी इच्छा, पर कथा का वास्तविक फल ये नहीं है कि 7 दिन कथा के बाद आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं। कथा का वास्तविक फल है कि कथा सुनने के बाद आपके मन में कोई इच्छा ही प्रकट न हो, ये कथा का वास्तविक फल। कथा सिद्ध नहीं करती है, कथा शुद्ध करती है, तन को, मन को, धन को, हमारी वाणी को, हमारे संस्कारों को, हमारे कर्मों को। इसलिए हम सब प्रयास करें कि इन 7 दिनों में हमें उसको पाना है। पहले भागवत का महात्म्य सुनाया गया कि जिस कथा को आप सुनने आए हो कम से कम उसकी थोड़ी बहुत क्वालिटी तो जान लो, कुछ सत्संग की आपको गुण पता चलेगी तभी तो आप कथा सुनने आएंगे, क्योंकि हर आदमी आजकल स्वार्थी है। उसको जब तक 2-4 बार आप किसी, आपने भी देखा होगा कोई प्रोडक्ट को बेचना हो तो क्या करते, किसी बड़े फिल्म स्टार से, बड़े आदमी से उसकी एडवर्टाइज कराते कि आप उसको हाथ में पकड़ के कहो कि देखो हम भी ये इस्तेमाल करते हैं, तो पूरी दुनिया करेगी। कोई हीरोइन हाथ में लेके कह दे कि फलाना शैम्पू मैं इस्तेमाल करूं तो फिर सब वही लाइन लग जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें गुणों को बताया गया कि ऐसे इस चीज को अपनाने से तुम्हारी ये चीज पूरी हो। तो आप इस कथा में आए हो तो आपको भी तो यहाँ के गुण पता होना चाहिए, जिसको आप 7 दिन तक सुनोगे उसके गुण क्या है, क्यों आप इस कथा को सुनोगे। तो इस कथा का महत्व बताया, पर महात्म्य कोई लालच नहीं दिया गया, कोई स्वार्थ प्रकट नहीं किया, कराया गया। कथा क्या करती है,
महात्म्य आता है। श्रीमद् भागवत के महात्म का प्रथम श्लोक आता है। भागवत का पहला श्लोक है, इसलिए सभी हाथ जोड़ करके मेरे पीछे पीछे इस श्लोक का भाव के साथ पाठ करें। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के बारे में वर्णन किया गया है, वो कहाँ रहता है, वो क्या करता है, उसका स्वभाव क्या है, उसका स्वरूप क्या है। एक बार अकबर और बीरबल बैठे थे, दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे। अकबर ने बीरबल से तीन प्रश्न किए, कहा कि आप इसका उत्तर दीजिए। और बीरबल तो बड़ा बुद्धिमान था, सबका उत्तर एकदम तैयार रहता। ईश्वर कहां रहता है, वो कैसे मिलता है और वो क्या करता है, ये तीन प्रश्न है, इनका उत्तर दीजिए। बीरबल ने एक पात्र में दूध मंगाया, किसी के द्वारा दूध लाया गया। उसने पूछा, थोड़ा शक्कर मंगाया, शक्कर को उस दूध में डाल दिया गया। और फिर बीरबल ने अकबर से पूछा कि महाराज अब बताइए इस दूध में शक्कर कहां है। बीरबल अकबर कहता है कि ये कैसे बता सकते शक्कर कहां है,
है लेकिन उसको बताया नहीं जा सकता। कौन कहता है कि खुदा नजर नहीं आता? अरे पगले, बस एक वो ही तो है, जब कोई नजर नहीं आता तो वो ही नजर आता। कौन कहता है वो प्रभु नजर नहीं आता? जैसे दूध में शक्कर है, दिखाई नहीं देता पर है, संसार में ईश्वर है, या ईश्वर में संसार है, एक ही मतलब। मिलेगा कैसे? मान लिया कि संसार में है पर मिलेगा कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया कि साहब, इस दूध में क्या आपको मक्खन दिखाई दे रहा है? उसने कहा, इसमें तो कुछ भी नहीं है, पक्का कुछ नहीं है। बोले, बिल्कुल नहीं है। उसने मथनी मंगाई, मथा, वही दूध था और उसी दूध से मक्खन बाहर आ गया। संसार में ईश्वर है लेकिन मिलेगा कैसे? बोले, इसका मंथन करना पड़ेगा। जब तुम मंथन करोगे तो इसी संसार से तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी। फिर पूछा, ईश्वर करता क्या है? बीरबल ने कहा, वराज देखो, दो प्रश्न तो हमने बता दिए, अब तीसरे प्रश्न के लिए आपको हमें गुरु बनाना पड़ेगा, तब हम बताएंगे। बने का ठीक है, बना लिया गुरु। बोले, ऐसे नहीं, गुरु बनता तो शिष्य नीचे बैठता है, गुरु ऊपर बैठता है, आप नीचे आइए। अकबर को नीचे उतार दिया गया, अकबर सामने बैठ गया और बीरबल अकबर की कुर्सी पर जाके बैठ गया। तब बीरबल ने कहा कि साहब देखो, ईश्वर ये करता है, कब राजा को भिखारी बना दे और भिखारी को राजा बना दे, कुछ नहीं। वो कुछ भी कर सकता है, ईश्वर है। मंथन करो तो प्रकट होगा, उसको जानना है। इस कथा के माध्यम से दो ही चीजों को जानना है, एक भगवान को और एक अपने आप को, क्योंकि हम सबको दुनिया की बहुत नॉलेज है, इतने देश होते हैं, इतनी लैंग्वेज होती है, जीके सब हमें आती है, सारे राजनीतियां हमें आती हैं, सारी आध्यात्मिकताएं हमें आती हैं, किसका नाम क्या है, किसकी उम्र क्या है, सब हमें पता है, लेकिन मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ, मैं कौन हूँ, ये कोई नहीं जानता। इस कथा से तीन को जानना है, चर्म को जानना है, मर्म को जानना है और धर्म को जानना है। चर्म माने इस शरीर को जानना है कि मैं सिर्फ शरीर नहीं हूं। जैसे एक कुर्ता मैंने पहना है, कल उसको बदलूंगा, कुर्ता बदला, शरीर वही है, वैसे मुझे जानना है कि शरीर वही है, आत्मा वही है, बस जैसे कपड़ा बदला वैसे शरीर बदलता रहता है, उस चर्म को जानना है। फिर अपने कर्म को जानना है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा दायित्व क्या है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा, कथा भागने का काम नहीं करती है, कथा जागने का काम करती है, कर्तव्य बताती है, पिता का क्या कर्तव्य है, पुत्री का क्या कर्तव्य है, गुरु का क्या कर्तव्य है, पति का क्या कर्तव्य है, पत्नी का क्या कर्तव्य है। इस कर्तव्य को हमें जानना है, हमारा दायित्व क्या है। एक कोई कन्या आई, एक नहीं ऐसी बहुत आती है, आके बोली, मैंने दो दिन कथा सुनी, अब तो बस मन कर रहा है कि कथा पूरी होते होते बस छोड़ कर के भाग जाऊं, सब कुछ छोड़ के भाग जाऊं। मैं उससे कहूं, ये कथा की दक्षिणा नहीं है, मैं सब कुछ छोड़ के भाग जाऊं, ये कथा की दक्षिणा नहीं है, कथा का अपमान मत करो, कथा कर्तव्य बोध निर्मित करती है, कथा तुम्हारे
कर्तव्य का निर्मित करती है कि घर में रह करके कैसे तुम्हें वैराग्य पाना है, कथा ये सिखाती। घर को छोड़ के भाग जाने से ही, हाँ सच्चा वैराग्य कोई मीरा जैसा हो तो अलग बात है, मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकती, लेकिन साधारण जगत में अगर कथा सुन के वैराग्य जागे और आप कहो कि हम घर छोड़ के जा रहे, नहीं, कथा का ये लक्ष्य नहीं है। कथा का लक्ष्य है भले तुम घर में रहो, पर आपका व्यवहार घर वालों से, परिवार वालों से कैसा होना चाहिए, ये कथा सिखाती। घर में तुम प्रेम से रहो, पूरा परिवार खुश रहे, पति पत्नी बच्चे सास बहू, तो फिर कहाँ जाने की तुम्हें आवश्यकता, तुम्हारा घर ही वृंदावन है। पर घर को तो महाभारत का अखाड़ा बना रखा है हमने, जब देखो युद्ध होता रहता है, जब देखो युद्ध होता रहता है। कथा सिखाती है कि पत्नी का दायित्व क्या है, पति का दायित्व क्या। आप ये मत सोचना कि कथा कोई आपको संसारिक बात बता रही है, नहीं, लेकिन जीवन की जो मूल चीजें हम भूल गए उनको कथा सिखाती। दिन भर झगड़ा, दिन भर झगड़ा, कहते हैं कि एक भारत रत्न उन भारतीय धर्म पत्नियों के लिए भी होना चाहिए जो एक घंटे लेक्चर देने के बाद कहती हैं कि अब मेरा मुंह मत खुलवाओ, पूरा एक 300 पेज का भाषण दे दे करके फिर अंत में कहती है बस मेरा मुंह मत खुलवाओ। एक कोई पत्नी पूछती अपने पति से कि आप हमसे कितना प्रेम करते हो, पत्नी ने पूछा पति से, ये इस दुनिया का सबसे खतरनाक प्रश्न है कि आप हमसे कितना प्रेम करते हो। पति ने कहा कि बहुत करते हैं। बोले फिर भी, बोले हमारे सामने सब जितने भी तुम नाम लो, जो भी प्रेम के लिए जिनका उदाहरण दिया जाता सब ठीक है हमारे सामने। बोले अच्छा, आप ये बताओ, शाहजहां ने तो ताजमहल बनवा दिया, आपने हमारे लिए क्या बनवाया। पति बोला बनवाने का प्लान तो मेरा भी है, बस वेट कर रहा हूं कब तू जाए। तेरे जाते ही काम चालू है। दुनिया में ऐसा व्यवहार आज के समय बन चुका है कि जहां देखो आकर के कथावाचकों के पास जाकर के भी मैया कहती हमारा पति लड़ता बहुत है। अरे पति तो लड़ता, तू लड़ती कि नहीं लड़ती। हम तो बिल्कुल नहीं लड़ते। एक पति ने घर आके कहा कि आज तो तू कह रही थी कि आज खाने में चॉइस है, मतलब तुम जो खाना चाहो, यहां तो तूने कुछ भी नहीं बनाया। पत्नी ने कहा चॉइस तो है। बोले क्या चॉइस है। बोले खाना है तो खाओ, नहीं तो मत खाओ। चारों तरफ जहां देखो एक पत्नी वो भी थी, आप सबको याद होगा जिसका नाम, एक पत्नी वो भी थी, कहती है अपने पति से कि स्वामी बहती हुई गंगा की धारा तुम्हें रोक नहीं पाई, बहती हुई गंगा की धारा तुम्हें रोक नहीं पाई, तुम रस्सी सांप को रस्सी समझ करके ऊपर महल तक चढ़ आए। कौन थी, कौन थी? बहती हुई गंगा की नदी तुम्हें रोक नहीं पाई, उस सांप की रस्सी बना करके तुम ऊपर चढ़ाए। हे स्वामी यहां आने से तुम्हें रत्ना तो मिल गई, तुलसी की पत्नी,
कहती है तुम्हें रत्ना तो मिल गई, तुम्हें सर्पों से डर नहीं लगा, तुम्हें मैं नदी में बह जाऊं शव को नाव समझ करके तुम आ गए, तुम्हें उससे डर नहीं लगा। इतना प्रयास जितना आपने किया इससे आधा भी किया होता तो रत्ना क्या, तुम्हें सीधा राम मिल जाते, तुम्हें राम की प्राप्ति हो जाती। पत्नी समझा रही है उसको, और ऐसी जागृति हुई, कहा कि जब दो व्यक्ति प्रेम करते हैं तो कहानी बन जाती है, कथा बन जाती है कि ऐसा फलाना फलाना था। तुलसीदास जी ने कहा मुझे कथा नहीं बनना है, मुझे कथा बनानी है। और फिर जाकर के तुलसीदास जी ने इतनी सुंदर रामचरितमानस का निर्माण किया। कर्तव्य बोध कथा कराती है, जीवन का कर्तव्य बोध। इसलिए इस कथा के माध्यम से कर्म को जानना है, और सबसे अंत में हमें अपने धर्म को जानना है, अपने इष्ट को, अपने परम तत्व को जानना है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत, श्री का मतलब क्या है, बोले श्री का मतलब साक्षात श्री राधा रानी है, क्योंकि कृष्ण राधा रानी के बिना कृष्ण की हर कथा आधी है, हर कथा अधूरी है। जब तक श्री राधा रानी का नाम ना हो तब तक हर कथा अधूरी है। वेदों में भगवान कृष्ण को अमना कहा गया है, मतलब उसके पास मन नहीं है, ध्यान से सुनेगा, कृष्ण को अमना कहा गया है, उसके पास मन नहीं है, जबकि मन था, कृष्ण के पास मन था, तभी तो गोपियों के पास जाके माखन चुराया, तभी तो कर्माबाई की खिचड़ी खाई, अपने भक्तों के पास गए, मन था लेकिन वो चुरा लिया गया। मन को चुराया किसने, बोले मन को, कृष्ण के मन को कोई चुरा सकता है तो वो केवल और केवल श्रीमती राधा रानी, केवल श्री राधा रानी। आज एक कथा टीवी पर आ रही थी तो मैं सुन रही थी, हमारे ब्रज के बड़े महान सद परम श्रद्धे श्री राजेंद्र दास जी महाराज कथा कह रहे थे, तो एक बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही, बोलते कि आप सबने सुना होगा बरसाने वाली राधा रानी, तो बरसाने नाम क्यों है, बरसाने वाली क्यों कहा गया है राधा रानी को, क्यों कहा गया है बताइए, किसी को नहीं पता, बरसा किसी ने उत्तर दिया बरसाने की थी इसलिए बरसाने वाली हो गई, बरसाने में जन्म, बरसाने में पालन पोषण हुआ था तो इसलिए बरसाने वाली हो गई। बोले नहीं नहीं ये उत्तर नहीं है, उत्तर क्या है, बोले कृष्ण खूब कृपा करते, कृष्ण खूब कृपा करते हैं पर राधा रानी कृपा नहीं करती। तो क्या करती है, कृष्ण कृपा करते हैं लेकिन राधा रानी कृपा बरसाती हैं, इसलिए जो कृपा बरसाने वाली है उसका नाम बरसाने वाली राधा रानी, ऐसी राधा रानी। कृष्ण कृपा करने में थोड़ी कंजूसी करते हैं, बहुत कंजूसी करते हैं, लेकिन राधा रानी क्योंकि लौकिक व्यवहार में भी पिता का हृदय थोड़ा कठोर होता है, पर एक जो माँ होती है वो बड़ी जल्दी पिघल जाती है, बेटा आके दो बार उसको मैया मैया बोल दे तो बस फिर जो कहे बेटा सो करेगी, पिता थोड़ा, इसलिए बालक भी अपना काम मनवाना हो तो पिता को नहीं बोलता अपनी माँ को बोलता है, उसको मालूम है कि माँ ही काम करा सकती। कन्हैया कृपा बरसाने में कंजूसी करते हैं लेकिन राधा रानी तो कृपा का सागर है, अगाध है, समुद्र है श्री राधा रानी, प्रेम का, रस का, भाव का। रस का डिपार्टमेंट श्री कृष्ण का है लेकिन भाव का डिपार्टमेंट
राधा रानी का है। माँ भावेर रूप हो श्री राधिका ठकुरानी, कृपा से रस से भरी हुई है, रस बरसाने वाली है, इसलिए उसका नाम बरसाने वाली है। हम राधा रानी से प्रार्थना करें, हे किशोरी जू, इन 7 दिनों में कोई ऐसी हवा चले कि उस हवा का झोंका हमसे स्पर्श हो और हमारे अंदर कृष्ण प्रेम का प्रागट्य हो जाए, क्योंकि वो आपकी कृपा के बगैर संभव नहीं। ऐसा प्यार बहा दो राधे, चरणों से लग जाऊं मैं, सब अंधकार मिटा राधे, दर श्याम के पाऊं मैं, ऐसा प्यार लग जाऊं सब अंधकार मिटा दो राधे, दर्श श्याम के पाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दो राधे।
मन दुलारे जिस दिन तेरी तप जानो मैं अज्ञान की खान हूँ कार मिटा दो राधे दर्श शाम के पाँव में आप कृपा कर दो तो हे किशोरी जो क्या नहीं हो सकता। आपके एक इशारे पर श्री ठाकुर जी नाचते हैं, आप एक इशारा कर दो तो प्रभु की प्राप्ति एक क्षण में हो सकती है। इसलिए कृष्ण प्राप्ति के लिए श्री किशोरी जी की प्राप्ति, प्रिया जी की प्राप्ति आवश्यक है। और वैसे भी राधा रानी बड़ी कृपालु हैं, बड़ी दयालु हैं। राधा रानी की चाकरी स्वयं ठाकुर जी करते हो, उन राधा रानी का हम जैसे तुच्छ लोग क्या वर्णन कर सकते हैं। कहते हैं एक बार बरसाने धाम में बरसाने के पास राधा रानी का जो महल है उसके पास राधा रानी का बाग है, जहाँ राधा रानी अपनी सखियों के साथ बिहार के लिए जाया करती थी। तो वहां एक बाबा रहा करते थे, बड़े सिद्ध बाबा। श्री राधा रानी के प्रति पूर्ण शरणागति थी उनकी, पूर्ण विश्वास था। एक दिन पहुंच गए महल में श्री जी के, तो बड़ा भारी संकीर्तन चल रहा था, सब भजन गा रहे थे, पद चल रहे थे। बाबा भी थोड़े जोश में आ गए, वृद्ध थे पर ठाकुर जी के नाम में कैसा वृद्ध, जब नशा चढ़ता तो कुछ होश नहीं रहता। इतना नाचे पूरा दिन नाचे हैं बाबा। आज तो मानो क्या नशा चढ़ा राधा रानी के नाम का, नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। अब तब तो नाच लिए, अब कुटिया में पहुंचे तो पैर दुखे। अब बाबा जी थे, अब इनके कोई बाल बच्चे तो होते नहीं जिनको कहे कि पैर दबा दे, पर जिनका कोई नहीं होता उनकी रखवाली स्वयं राधा रानी करती। इसलिए क्या हुआ, एक श्याम वर्ण का बालक आया और आके बोला, बाबा वो जो मंदिर के पंडा जी है ना, पुजारी जी, उन्होंने देखा कि आज आप बहुत नाचे हो तो उनको लगा थक गए होंगे, मैं उनका नौकर हूँ तो उन्होंने मुझे भेज दिया कि जा करके बाबा के पाँव दबाया, ला बाबा तेरे पाँव दबा दूँ। बाबा ने कही, अरे वाह,
पुजारी जी ने बड़ो बढ़िया काम करो, अपनो नौकर भेज दियो, हमारो दर्द भी ठीक है जाएगो। पैर दबाए प्रातः काल बाबा मंदिर गए तो पुजारी जी खड़े थे, सोचा थोड़ा धन्यवाद दे जाऊं। बाबा ने कही पुजारी जी को कि पंडा जी आपको बड़ो बड़ो धन्यवाद, आपने अपनो नौकर भेज दियो, हमारे पाँव माने दबाए तो हमें पूरी रात बड़ी बढ़िया नींद आई। पुजारी जी बड़ी जोर से हंसे, बोले हमारो नौकर, अरे हम खुद ही नौकर हैं, हमारो नौकर कहाँ से आयो? बोले तुमने नहीं भेजो? बोले नहीं हमने तो नहीं भेजो। बोले अरे महाराज कल संध्या को आयो श्याम वर्ण को छोरा, बोलो कि मैं पुजारी जी को नौकर हूँ, पाम दबाने आयो हूँ। पुजारी जी ने हंसते भाई कही, अरे बाबा वो मेरो नौकर नहीं, वो तो या किशोरी जी को नौकर चाकर स्वयं कन्हैया। जब देखी कि मेरी किशोरी जी के भक्त के पाम दुब गए तो स्वयं वहां नौकरी करने पहुंच गए। इसलिए जिसने श्री राधा रानी के पैर पकड़े हैं उसको कन्हैया के पीछे नहीं भागना पड़ता, श्री ठाकुर जी उसके पीछे पीछे भागते। इसलिए श्री मद भागवत क्या है? बोले श्री जी का जो मद है वही भागवत है। इसलिए ऐसी श्री राधा रानी और ऐसे श्री ठाकुर जी को श्री कृष्णाय वयम नमः प्रणाम किया गया। इसके उपरांत नेमिषे निमिषेत्रे ऋषय सोनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नेमिषारण तीर्थ में 88,000 ऋषि बैठे हैं। सूत जी वहां आए, सबसे प्रश्न किया सबने कि महाराज कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे भक्ति ज्ञान वैराग की कलयुग में प्राप्ति हो सके। अज्ञान अधांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन।
और आपको कथा सुना दी जाए। आज आप सब देख रहे हैं, आज बहुत कथाएं होती है, बहुत सारे आयोजन होते हैं, बहुत भीड़ भी आती है, बहुत सारा व्यय अर्थ भी व्यय किया जाता है, लेकिन उसका परिणाम क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उस सत्कार्य का लक्ष्य ध्येय अर्थ होता है, इस कारण उसका वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता। कथा कोई बिकाऊ वस्तु नहीं है। तुम दुनिया की कोई चीज खरीद सकते हो, क्या हमारी हिम्मत है कि हम सूरदास का वो एक तारा खरीद सके? क्या हमारी हिम्मत है कि हम मीरा का वो करताल खरीद सके? कथा बिकाऊ नहीं है। मुझे बड़ी हंसी आती है, कई बार लोग आते हैं ना बात करने, कथा कराने के लिए, तो सबसे पहले बस यही प्रश्न रखते हैं कि आपका चार्ज कितना लगता है। कोई हमने दुकानदारी खोली है, कोई धंधा खोला है कि तुमको बताएं ये चार्ज लगता है, आओ। हाँ, दुकान तो खोली है, धंधा तो हम करते हैं, पर किसी और चीज का क्या? किसी शायर ने कहा, हम मोहब्बत बेचते हैं इस नफरत के भरे बाजारों में। हमारा धंधा क्या है मत पूछो, मेरा कारोबार क्या है, हम मोहब्बत बेचते हैं इस नफरत के भरे बाजारों में। हमारा एक ही ध्येय है कि इस कथा के माध्यम से प्रेम बरसे। बाकी क्या हम कथा को खरीद सकते हैं? हमारी ताकत है पूरी दुनिया मिलके भी अपने आप को बेच दे तो सुखदेव का एक श्लोक नहीं खरीद सकते। बिकने वाले बहुत हैं बाजार में, जाओ जाके खरीद लो, बहुत मिलेंगे। बिकने वाले बहुत हैं, जाओ जाके खरीद लो, क्योंकि हम यानी भागवत, हम कीमत से नहीं किस्मत से मिलते हैं। ठाकुर जी की कथा कीमत से नहीं मिलती, तुम लाखों व्यय कर दो तो तुम्हें नहीं मिलने वाली, ये कीमत से नहीं किस्मत से मिलती है। इस कथा को सुनने की कोई टिकट थोड़ी लगी है, सब फ्री में आ सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई कोई आ पाता है, और कोई व्यक्ति ऐसा है जो सिनेमा हॉल में टिकट लगेगी तो हजारों देकर के भी वहां जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कीमत से प्राप्त नहीं होती, ये भाग्य, और भाग्य से भी नहीं, किससे प्राप्त होती है? बोले हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, भगवान की कथा भाग्य से नहीं, ये उसकी कृपा से प्राप्त होती है। हम आसपास रहते, हम आ नहीं सकते, हम आसपास घर होगा वो इस पंडाल में नहीं आ सकते। हमारे एक बेचारे श्रोता सिर्फ कथा के लिए ऑस्ट्रेलिया से आए हैं कथा सुनने के लिए। अरे श्याम सुंदर जी हैं, बड़े ठाकुर जी के बड़े रसिक हैं, राधा रानी के बड़े भक्त हैं, सिर्फ कथा सुनने के लिए इतने दूर से आए हैं 7 दिन के लिए। और अब कोई व्यक्ति ऐसा है जो पड़ोस से नहीं आ सकता, क्यों? क्या उसकी कोई गलती है? बोले गलती नहीं, ठाकुर जी उस व्यक्ति को चुन करके इस कथा में लाते हैं, जिस पर स्वयं श्री राधा रानी के दोनों हाथ हो वही व्यक्ति इस कथा में आ सकता। आ भी जाओगे तो मन नहीं लगेगा। तुलसी पूरब जन्म में हरी चर्चा न सुहाए, कै सोवे के लड़ भिरे कै घर को चलो जाए। जिसको जिसकी भाग्य में नहीं, या तो सो जाएगा, कै सोवे के लड़ भिरे, या लड़ जाएगा जगह के लिए। तो हम कल यहीं बैठे थे तो आज भी यहीं बैठेंगे, और कोई गलती से बेचारा दूसरा बैठ गया तो उसको 3 घंटे काटना भारी कर दे, ऐसे घूर घूर के उसी को देखेगा। हमारी जगह ले ली, मेरी जगह। आदमी की मानसिकता ऐसी है कि 5 मिनट एक पेड़ के नीचे भी बैठ जाए ना तो उस पर भी नेम प्लेट लगा दे कि हमारा है, और चीजों की तो बात ही छोड़ो।
कै सोवे कै लड़ बेरे कुछ भी नहीं होगा, तो बोले सब बोरिंग है, उठ करके घर को चला जाए। दो तरह के श्रोता होते हैं, एक श्रोता कथा बोर होके सुनता है और एक विभोर होके सुनता है, आनंद में सुनता है। इसलिए ये उसकी कृपा से प्राप्त होता है। आज सूर्य जी 88,000 ऋषियों को ये कथा श्रवण करा रहे हैं। कहते हैं कि एक बार श्री नारद जी यमुना के किनारे किनारे पर विहार कर रहे थे, देखा कि देवी भक्ति वहां बड़ी परेशान है, ज्ञान वैराग को गोद में लेकर के बैठी है। भक्ति दुखी हो तो भक्ति को सांत्वना देने वाला कोई अगर है तो वो एक संत ही हो सकता है। जैसे किसी माँ के गर्भ में बालक हो, वो समय पर बाहर नहीं आता है तो डॉक्टर उसका ऑपरेशन करके बाहर निकालते हैं, वैसे ही हमारे अंदर भक्ति है पर वो प्रकट नहीं हो रही तो क्या करना है, किसी संत के सदगुरु के चरण में जाके बैठो, वो कथा से ऐसा तुम्हारा इलाज करेंगे कि तुम्हारे अंदर से भक्ति और साधना प्रकट हो जाएगी। ये काम एक संत ही कर सकते हैं। महत भी सुप्रतिष्ठम अस्मापि याति देवत्वम। अस्म कहते पत्थर को, एक पत्थर को यदि तुम किसी शिल्पकार के चरणों में छोड़ दो तो वो उसकी आकृति बना के, वही पत्थर अभी तक किसी के पैरों में पड़ा था पर उसकी आकृति ऐसी बना देता है कि वही पत्थर मंदिर में जाकर के लाखों लोगों की श्रद्धा का प्रतीक बन जाता है। वैसे हम कौन है, हम बिना आकार के पत्थर हैं, लेकिन जब हम अपने आप को किसी संत के चरणों में सौंप दें, शरणागति हो जाएं पूर्ण प्रकार से, वो संत हमारा इतना सुंदर स्वरूप बना देते हैं कि स्वयं श्री ठाकुर जी वहां फैला करके हमारा आलिंगन कर लेते हैं, अपनी शरण में ले लेते हैं। संत की प्राप्ति ऐसे नारद जी, और वो भी वृंदावन धाम में, जहां वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तत्वं तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नित्यति यत्र च। जहां वो वृंदावन जहां के कण कण में श्री ठाकुर जी का वास है, भक्ति का वास है। आज भी आप जबलपुर में रहते हैं, यद्यपि जबलपुर को संस्कार धानी कहा जाता है, बहुत यहाँ कार्यक्रम होते हैं, अच्छे अच्छे सत्कार्य होते हैं, ठाकुर जी का नाम होता है, अच्छा वातावरण है, लेकिन आप भी इस जबलपुर से जब वृंदावन जाओगे और वृंदावन जाके आप अपना पैर उस सीमा में रखोगे, उस सीमा में पैर रखते ही एक आनंद प्रकट होता है जो आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वहां उस वृंदावन में न जाने क्या एक ऐसी चुंबकीय शक्ति है कि वो अपनी तरफ खींचता है। खींचता क्यों है, क्योंकि उस वृंदावन में आज भी राधा कृष्ण साक्षात विहार करते हैं। मीरा से पूछा गया, तुझे इस दुनिया में सबसे अच्छा स्थान कौन सा लगता है। मीरा मेवाड़ की थी, राजस्थान की थी, मीरा को वो भूमि पसंद थी, लेकिन मीरा ने एक ही बात कही, मुझे एक ही स्थान पसंद है, कौन सा। लागे वृंदावन नी को आली मने, लागे वृंदावन नी को, लागे वृंदावन नी को आले भने, लागे वृंदावन नी को, मेरे हृदय को स्पर्श करता है, न जाने क्यों
वृंदावन धाम में जाते ही मेरा रोम रोम खिल उठता है। क्यों मीरा, उस वृंदावन की पहचान क्या है? तो मीरा पहचान बताती, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर की घंटियों की आवाज सुनाई देगी और अंबाती हुई गैया यहाँ से वहां घूम रही होगी, यमुना की कल कल छल छल करती हुई धारा तुम्हें दिखाई देगी। ये पहचान है वृंदावन की। वृंदावन किसी बिल्डिंगों से महान नहीं बनता, वृंदावन किसी बड़े आश्रमों से महान नहीं बनता, वृंदावन महान बनता है वृंदावन की रज से, वृंदावन महान बनता है वृंदावन की लताओं से, वृंदावन महान बनता है वृंदावन की गायों से, वृंदावन महान बनता है उस वृंदावन में बहती हुई श्री कृष्ण प्रिया यमुना जी से। वहां घुसते ही विचार करो 5 मिनट के लिए, आज जो वृंदावन है वो मत सोचो जो 5000 साल पहले ठाकुर जी का वृंदावन था। एक समय ऐसा आए जब कथा सुने हम और उस सुनने के साथ साथ हमारे हृदय में वो भाव उमड़े कि कैसे श्री ठाकुर जी अपनी लकुटिया को हाथ पर रख करके, दोनों हाथों को उस पर रख करके आगे आगे, जैसे एक महाराजा चलता है और पूरी सेना पीछे पीछे चलती है, ठाकुर जी चल रहे हैं, आगे आगे गैया चल रही है, गैया की घंटियों की आवाज आ रही है, गैया के खुर से उड़ती हुई रज जाकर के श्री ठाकुर जी के मस्तक पर लगती है, जिससे श्वेत बिंदु पैदा होती है, वायु चलती है तो ठाकुर जी के घुंघराले बाल उड़ करके आंखों पर आते हैं, मानो कोई मेघों की घटाएं छा रहे। वो वृंदावन, वो श्रीधाम वृंदावन है जहां वृंदावन में गैया बहुत है, गैया बहुत है, भोजन दूध दही को अली मन लागे वृंदावन को।
भी हो सकता है, वृंदावन या तीर्थ जाने की ही क्या आवश्यकता है। सही बात है, लेकिन आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया हो, आपकी गाड़ी का कार का टायर पंचर हो गया हो, आप में आपको उसमें हवा भरनी हो, तो आप क्या ये कहते हो अरे हवा तो सब जगह है, कहीं भी टायर लगा और कहो हवा आ जा? आती है हवा सब जगह, सबको पता है कि हमारे चारों तरफ वायु है, आकाश है, हवा सब जगह है, लेकिन फिर भी एक ऐसा निश्चित स्थान है जहाँ एक यंत्र है जिसके द्वारा उस हवा को भरा जाता है। वैसे परमात्मा हर जगह है, लेकिन उसको हृदय में बैठाना हो तो ऐसा निश्चित स्थान वृंदावन है, जहाँ संतों ने इतना भजन किया है कि वहाँ जाते ही तुम्हारे हृदय में श्री ठाकुर जी विराजमान हो जाते हैं। इसलिए वृंदावन आवश्यक फिर जबलपुर में क्यों बैठे हो, किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हो? चलो वृंदावन चले कि नहीं? हाँ बोलोगे तो ही चलेंगे, नहीं तो प्रोग्राम कैंसिल। घर पूछ के आए हो, अपनी बीवियों से पूछ के आए हो कि बीवी लठिया लेके पीछे पीछे वृंदावन तक पहुंच जाए? मानसिक रूप से श्रीधाम वृंदावन चले क्या गाते हुए? चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामर कारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामर कारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामर कारी। Oh,
धन रूप के दर्शन पाएंगे। परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। श्री ठाकुर जी की प्राप्ति उस धाम में हो जाए, किस रूप में वो मिल जाए नहीं पता, लेकिन इतना आवश्यक है कि उस धाम में तुम जाते हो तो भक्ति का प्रादुर्भाव अपने आप हो जाता है, क्योंकि वो भक्ति का मूल स्थान है। भक्ति उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीनताम गता। लेकिन वृंदावन पुनः प्राप्य नवीन एव स्वरूपनी। द्रविड़ में उत्पन्न हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं पूजी गई, गुजरात में
भी छीन हो गई। गुजरात में उस समय भक्ति छीन अवश्य हुई, इसका अर्थ ये नहीं कि आज के समय में गुजरात में भक्ति नहीं। आज के समय में गुजरात में बड़ी भारी सब लोग बड़े भक्ति करते हैं, किंतु उस समय भक्ति का उतना स्थान वहां नहीं था। लेकिन वृंदावन पुनः प्राप्य, वृंदावन आते ही देवी भक्ति नव यौवन अवस्था को प्राप्त हुई और ज्ञान वैराग्य वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुई। क्योंकि श्री ठाकुर जी ने उद्धव को कहा है, ना साध्यति माम योगो न सांख्य धर्म उद्धव, न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर ममोर्जित। हे उद्धव, इतना ना मुझे सांख्य योग ना कोई ज्ञान वैराग्य इतना प्रसन्न नहीं कर सकता जितना मैं प्रबल भक्ति से प्रसन्न होता हूं। ज्ञान आवश्यक है जीवन में, लेकिन हमारे ब्रज में कहते हैं जैसे आप शिकंजी बनाते हो ना, शिकंजी में पानी में आप थोड़ा नींबू डालते हो और थोड़ा शक्कर डालते हो। नींबू कम मात्रा में होता है, शक्कर ज्यादा मात्रा में होती है। अकेला शक्कर का पानी पियोगे तो ऊब जाओगे, और अकेला खट्टा पानी भी नहीं पी सकते, दोनों को मिलाना पड़ेगा। लेकिन मात्रा कितनी हो, बोले ज्ञान की मात्रा उतनी हो जितनी नींबू की दो बूंद डलती है, लेकिन भक्ति की मात्रा उस शक्कर जितनी होनी चाहिए, जो घुल जाए तो पूरा जीवन हमारा मिठास से भर जाए। भक्ति की मात्रा शक्कर बराबर हो और ज्ञान की नींबू के बराबर हो। भक्ति मुख्य है, भक्ति आ जाती है तो श्री ठाकुर जी ने स्वयं भगवत गीता में कहा है, बहुत सुंदर श्लोक है। ठाकुर जी कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योग। ठाकुर जी कह रहे हैं, जो मेरी भक्ति करता है, जो मेरा नाम लेता है, उसको बुद्धि मैं देता हूं। बुद्धि देता माने ज्ञान भी मैं ही देता हूं, उसको कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं। 5 वर्ष का ध्रुव बोलना नहीं आता था, लेकिन ठाकुर जी ने शंख स्पर्श किया तो मुख से अद्भुत संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करके ठाकुर जी की श्रुति। बुद्धि भगवान देते। मीराबाई ने कौन सी यूनिवर्सिटी से पीएचडी की थी, पता है किसी को? मीरा के स्कूल का नाम पता है किसी को? मीरा के पास कौन सी डिग्री थी? कम से कम बीए तो की होगी। सूरदास ने कौन सी यूनिवर्सिटी में जाके अपनी डिग्री हासिल की? न मीरा पढ़ी, न सूरदास ने विद्यालय का मुख देखा, लेकिन आज भी मीरा के एक एक पदों पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग पीएचडी कर रहे हैं। क्यों? प्रभु कृपा हो जाए तो क्या नहीं हो सकता। अंधा देखे लंगड़ा चल के पहुंचे काशी रे। नरसिंह मेहता ने गाया है, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी, द्वार दया का जब जब खोलो पंचम स्वर में गूंगा बोले। जब जब आप दया के द्वार खोलते हो तो गूंगा भी 5वें स्वर में बोलता है, अंधा देखे लंगड़ा चल के पहुंचे काशी। ज्ञान हो लेकिन भक्ति आवश्यक है। भक्ति का मतलब ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्ति का मतलब सिंपली टू एंगेज द सेंसेस इन द सर्विस ऑफ द मास्टर ऑफ द ऑल सेंसेस, मतलब अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के मालिक में मिला देना ही भक्ति है। उस प्रभु में अपनी इंद्रियों को जोड़ देना ही भक्ति है।
प्रसंग बहुत लंबा है, किंतु समय के अनुसार ज्ञान वैराग को होश में लाने के लिए नारद जी ने यमुना हरिद्वार के समीप ऋषिकेश आनंद घाट पर भागवत कथा कराई। इस कथा को श्रवण किया ज्ञान वैराग ने। इस कथा को श्रवण करने से मूर्छित अवस्था दूर हुई और सुंदर यौवन अवस्था को प्राप्त हुए। इसके बाद सुखदेव जी ने एक और कथा, सूत जी ने एक और कथा श्रवण कराई कि किस प्रकार एक आत्मदेव ब्राह्मण जिनके घर संतान नहीं थी, किंतु संत की कृपा प्रसाद से एक फल प्राप्त हुआ, जिसको उसकी पत्नी धुंधली ने गाय को खिलाया, गाय के गर्भ से श्री गोकर्ण महाराज का प्रागट्य हुआ। धुंधली को एक पुत्र हुआ जो छोटी बहन का था, जिसका नाम धुंधकारी था। बहुत पाप करने लगा आत्मदेव ने सोचा, घर द्वार छोड़ के अब तो चले जाना चाहिए, पर जाए कैसे, वो मन तो अभी भी संसार में लगा है। खूब सत्संग सुन लिए पर मन तो अभी वहीं बंधा है। गोकर्ण महाराज बता रहे हैं, देहेस्ति मान सुरुधरे भीमतिप्तजत्वं जायाशुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चः पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्म भजस्व सततम् त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्व। हे पिताजी, अपनी अब आपके वैराग्य का समय आ गया। देखो बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई, अब समय आ गया कि घर द्वार छोड़ के जाओ, राम राम जपो। जब कोई बड़ा आदमी, कोई बड़ा अधिकारी यात्रा पर निकलता है तो उससे पहले उसका सामान रवाना कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री मान लो विदेश दौरे पर जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जाए उससे पहले दो चार आदमी वहां भेज दिए जाते हैं, सब व्यवस्था, सब सेटिंग बढ़िया करने के लिए उनका सामान भेज दिया जाता है। फिर समय आने पर फिर वो अधिकारी जाता है, सामान सब पहले चला गया। वैसे ही सब प्रथम आंखों की रोशनी कम होती है, फिर बोले दांत गिरने लगते हैं, दांत चले गए, फिर बोले हृदय रोग हो गया, कमर टेढ़ी हो गई। इसका मतलब क्या है? बोले सामान रवाना हो गया, अब बस अधिकारी के जाने की बारी, तैयार हो जाओ, सामान पहुंच गया, अब तुम्हारी बारी। ये सब दर्शाता है कि सब रवाना हो चुका है, लेकिन आदमी की जो ये उसका स्वभाव है, नोटिस मिलने के बाद भी सावधान नहीं होता। तो हमारे नियम है ना कि जब कोई गुनहगार पकड़ में ना आए तो उसको वारंट दिया जाता है धरपकड़ का। नोटिस के बाद भी अगर नहीं आए तो फिर वारंट निकलेगा और फिर पता चलेगा कि शर्मा जी तो पहुंच गए, सामान तो पहले ही चला गया, वो भी पीछे पहुंच गए। कहते हैं आपको विदेश जाना हो तो वीजा लेना पड़ता है। आप यूएस जाओगे तो आपको वो एम्बेसी वाले ठप्पा लगा के देंगे, उससे ज्यादा आप रह नहीं सकते। वैसे इंसान भी अपने परमात्मा से अलग होकर इस धरती पर आया। किसी को 50 साल का वीजा मिला, किसी को 60 साल का मिला है, कि कोई बेचारा 100-100 तक का मिल जाता है मुश्किल से। आजकल तो खैर नहीं मिलता, सब 60-70 में ही। अब जब आप अपने देश से दूर जाते हो तो अपने देश में आप रोज फोन से बात करते हो, वैसे ही ईश्वर से भी हम सब संबंध बनाए रखें। वो क्या है? बोले रोज पूजा के द्वारा व्यक्ति अपने मूल घर जो उसका है वहां से संबंध बना के रखता, कहीं उसको भूल ना जाऊं। फिर
सत्संग में आता है और फिर उसको अपनी पहचान होती है, मैं कौन हूँ। गीताकार ने गीता द्वारा अर्जुन को याद दिलाई कि तेरा मूल घर कोई और है जहाँ तुझे वापस जाना है। स्मृति आती है, याद आती है, इसलिए सावधान हो जाओ। यही श्री सूत जी सुना रहे हैं कि आत्मदेव को गोकर्ण महाराज ने कहा, आत्मदेव के मन में वैराग जागा, घर छोड़ करके वन में गए, भजन किया पीछे से धुंधकारी के उद्धार के लिए। गोकर्ण महाराज ने अपने गांव में एक बड़ी सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। बांस में बैठ के धुंधकारी ने 7 दिन तक कथा सुनी। प्रेत था इसलिए बैठ नहीं सकता था तो बांस में बैठ करके सुनी। आजकल तो भूत प्रेत भी आए तो उनको भी सोफा कुर्सी चाहिए। आजकल कथाओं में लोग कहते अरे कथाओं में खर्चा बहुत होता है, तो खर्चा वक्ता के लिए नहीं सबके लिए होता है। जब तक बढ़िया गद्दा ना मिले, सोफा ना मिले तो आते नहीं कथा सुनने। पर आप सब जबलपुर वाले ऐसे तो नहीं, आप सब तो भावुक लोग हैं, भाव से आए, कोई व्यवस्था देखने नहीं, भाव लेके आए और ऐसे ही रहना 7 दिन तक। 7 दिन तक कथा सुनी, धुंधकारी दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हुआ, विमान आया और धुंधकारी को लेकर के गया। इस प्रकार धुंधकारी जैसे पापी का उद्धार इस श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण मात्र से हुआ। ऐसी पावन पवित्र श्रीमद् भागवत कथा, श्री ठाकुर जी की वांगमयी मूर्ति ये श्रीमद् भागवत कथा, जिसको आप सब हम सब श्रवण करने के लिए यहाँ पधारे हैं। आइए आगे की कथा हम बढ़ाएं, उससे पूर्व 2 मिनट की सूचना है। सभी शांति पूर्वक अनुशासन से बैठ के श्रवण करेंगे, कोई भी अपने स्थान से खड़ा नहीं हो, 5 मिनट के लिए शांति पूर्वक बैठे, उसके बाद हम आगे कथा बढ़ाएंगे। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे जय श्री राधे। आज अभी कथा का जो प्रथम दिवस का जो प्रसंग हम लोग श्रवण कर रहे थे और देवी जी ने वृंदावन के लिए आप सभी को आह्वान भी किया, जो लोग कथा पांडाल में है यानी कि जबलपुर की धरा पर है, चलो रे मन वृंदावन धाम। तो जिन जिन लोगों को वृंदावन आना है या दर्शन करना है उनको बहुत बहुत हार्दिक तहे दिल से हम उनका स्वागत करते हैं। उनका अभी उनको हम अपनी ओर से निवेदन करते हैं कि वृंदावन आए, बिहारी जी के दर्शन करें, ब्रज का दर्शन करें। और साथ में जो कि आज प्रारंभ में मैंने आपको बताया था कि देवी जी के द्वारा ब्रज की धरा पर एक गौ माता का हॉस्पिटल, जिसको गौ सेवा धाम हॉस्पिटल हम लोग बोलते हैं, वह भी वहां चलाया जा रहा है, जहां बीमार गौ माता जो ब्रज की कृष्ण की प्रिय गौ माता, जिसको हम संपूर्ण विश्व की माता भी बोलते हैं, गावो विश्वस्य मातर है मातृ सर्वभूतानां, उस गौ माता की आज कुछ दशा आप सब लोग जानते हैं, किस प्रकार वह एक दर से दूसरे दर पर रोटी के टुकड़े के लिए घूमती रहती है, या कूड़े कूड़ा का ढेर आपके कॉलोनी के बाहर या कहीं ऐसा हो वहां कूड़े के ढेर पर वह गौ माता चरती रहती है। स्वतः लास्ट में उसमें क्या होता है कि वह गौ माता किसी ना किसी रूप में बीमार हो जाती है। अभी शायद हमारे हॉस्पिटल में यह सारा जो गौ माता की सेवा का काम है ये चलता है, और वहां पर एक गाय का ऑपरेशन हुआ तो उसके अंदर शायद 1 क्विंटल से ऊपर पॉलोथीन निकली थी, वो पॉलोथीन उसके पेट में जमा थी, एक्चुअल पॉलोथीन, जो पॉलोथीन हम हाथ में यूज करते हैं वो कम से कम 50 किलो 70 किलो से ऊपर की पॉलोथीन थी और उसके पेट में जमा थी। लेकिन वो हमारे पास कुछ विलंब से आई, कुछ देर हो गई, उसकी वजह से हम गौ माता को नहीं बचा पाए। लेकिन हमने यह संकल्प लिया है कि अब ब्रज के अंदर एक एक गौ माताओं के पास हमारी डॉक्टर की टीम जाएगी, उन्हें देखेंगे, ढूंढेंगे। हमारे पास यदि कोई ऐसी कॉल आती है, हमें यदि पता चलता है कि कोई गौ माता बीमार है, तो हमारी एम्बुलेंस जाती है, डॉक्टरों की टीम जाती है और उस गौ माता को अपने हॉस्पिटल में ला करके उसका संपूर्ण इलाज करती है। एम्बुलेंस की टीम है जिसमें एम्बुलेंस डॉक्टर और हाइड्रोलिक तरीके से उसको बनाया गया हुआ है।
तो ये सारी सेवाएं ब्रज के अंदर चल रही हैं। आप सब लोग जबलपुर की धरा से जरूर कभी वृंदावन पधारे, और जो लोग आस्था टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं या अभी और जुड़ेंगे, उनसे भी यही निवेदन करेंगे कि ब्रज की धरा पर गौ माता की सच्ची सेवा देखने के लिए एक बार अवश्य पधारें। गौ माता की सेवा के लिए, गौ माता के दर्शन के लिए, गौ माता के लिए जो प्रकल्प हमने गौ सेवा धाम हॉस्पिटल का चलाया है, उसमें आप सब लोग जरूर जुड़ें। आपके जबलपुर की धरा से कुछ लोगों के हमारे पास नाम आए हैं, स्वर्गीय श्रीमती गोमती बाई लोधी जी, उनकी पुण्य स्मृति में उनकी पुत्रवती श्रीमती अनीता पटेल जी हैं, नरसिंहपुर से हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ यदि पंडाल में है तो वो मंच पर आए, जिन्होंने गौ माता के सेवा के लिए 5000 रुपए की राशि दी है। जोरदार तालियों से मैं उनका अभिवादन करवाना चाहूंगा आप सभी लोगों से, और मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ यदि वो पंडाल में है तो अति शीघ्र कृपया मंच पर आए और देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगी। इतने सुंदर कार्य में उन्होंने अपनी सहभागिता निभाई, और कुछ लोग आस्था टीवी चैनल के माध्यम से अपने घरों पर भी यह कार्यक्रम देख रहे हैं, तो उन्होंने भी इस गौ सेवा धाम हॉस्पिटल के लिए, देवी जी के ट्रस्ट के लिए अपना सहयोग भेजा है, तो उनके नाम की भी घोषणा, और आगे हम कार्यक्रम की ओर बढ़ेंगे। श्री प्रवीण कुमार जी हैं जिन्होंने अपने बेटे के जन्मदिन पर नजफगढ़ से गौ माता की दवाई के लिए 5100 रुपए का सहयोग दिया है। जोरदार तालियों से उनका अभिवादन करते हैं। श्री अभिषेक जी हैं देहरादून से जिन्होंने 5100 रुपए का सहयोग दिया। राजू मिश्रा जी दिल्ली से, इन्होंने भी 5100 रुपए का सहयोग दिया है। राजेश्वर दत्त जी की पुण्य स्मृति में उनकी पत्नी है सुशीला जी, उन्होंने भी गौ माता की सेवा के लिए 11000 रुपए की राशि दी है। जोरदार तालियों से उनका भी अभिवादन। हमारे ट्रस्ट परिवार की ओर से उनका बहुत बहुत हार्दिक वंदन है। श्री बीरेंद्र सिंह सिरोही जी हैं दिल्ली से जिन्होंने गौ माता के लिए, गौ सेवाधाम हॉस्पिटल के लिए 50000 रुपए की राशि दी है। जोरदार तालियों से उनका भी हम अभिवादन करते हैं, और ट्रस्ट परिवार की ओर से उनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। ऐसी सेवा में जो लोग अपना धन या अपनी राशि या अपनी भावनाएं जो लगा रहे हैं, उनसे यह भी प्रार्थना है कि वो कृपया या तो टीवी चैनल के माध्यम से, या हमारे जो लोग जबलपुर में हैं वो पीछे कार्यालय है और साथ में भी कार्यालय है, आप जो सेवा दे रहे हैं आप जाने आप सेवा किसके लिए दे रहे हैं। आप सेवा मेरे लिए या देवी जी के लिए या इस सब व्यवस्था के लिए नहीं दे रहे। जो भी लोग इस ट्रस्ट में सहयोग करता है या हमारे पास जो भी सहयोग देता है, वह सीधा गौ माता की सेवा के लिए जाता है, गौ माता के चारे के लिए जाता है। बीमार गौ माता है, उनके डॉक्टर हैं, उनकी फीस के लिए, उनके इलाज के लिए, दवाइयों के लिए, उनके चारे के लिए। तो आप जो लोग सहयोग कर रहे हैं बड़े भाग्यशाली हैं कि गौ माता की इस सेवा में आप लोग जुड़ रहे हैं। रविंद्र कुमार जी हैदराबाद से जिन्होंने बीमार गौ माताओं के लिए दवाई सहयोग दिया, जोरदार तालियों से उनका भी अभिवादन करेंगे। हर गोपाल कोठारी जी कलकत्ता से जिन्होंने 11000 रुपए की राशि दिया, उनका भी जोरदार तालियों से अभिवादन। सुषमा देवी जी जयपुर से 5000 रुपए व गुप्त दान ओडिशा से 5100 रुपए का, और माया चोटरानी जी हैं दिल्ली से जिन्होंने 11000 रुपए की राशि दी है। ये जो 11000 रुपए की राशि है, इसका इस्तेमाल गौ माता के चारे के लिए किया जाता है। विशेष रूप से एक ट्रॉली चारा आ जाता है, तो जो लोग सहयोग करना चाहें वो गौ माता के चारे के लिए सहयोग कर सकते हैं। नाथाबाई सिसोदिया पोरबंदर गुजरात से जिन्होंने 50000 रुपए की राशि उन्होंने भी दी है, जोरदार तालियों से उनका भी अभिवादन करते हैं, बहुत बहुत उनका धन्यवाद। राजकुमार अरोड़ा जी गाजियाबाद से 5100 रुपए व मधुकर जी मुंबई से दवाई सहयोग और गुप्त दान दिल्ली से 5100 रुपए का। ये सभी गौ भक्त, कृष्ण भक्त गौ माता की सेवा के लिए अपना सहयोग दे रहे हैं। जो लोग पंडाल में हैं या कल कथा में और लोग जो जुड़ेंगे जबलपुर की धरा से, आप सब लोगों से भी निवेदन यही रहेगा कि इस गंगा के अंदर जो भागवत रूपी गंगा है, इसके अंदर आप लोग इसका लाभ उठा ही रहे हैं, साथ साथ में इस सेवा गंगा गौ माता की सेवा का भी लाभ उठाएं। हमारे कार्यालय एक मंच के दाहिनी ओर है, और मंच के जब आप लोग लास्ट में निकलोगे तो वहां भी कार्यालय है। संपूर्ण जानकारी आपको पत्रिका मिलेगी, वहां पर कार्यालय में हमारे लोग हैं वो आपको दे देंगे। और टीवी चैनल के माध्यम से जो आस्था के माध्यम से भी देख रहे हैं, वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो हमारी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं उन पर भी वो अपना कॉन्टैक्ट करके हमारी जो जानकारी है वो ले सकते हैं। आइए आगे हम जो कथा है उसकी ओर चलते हैं। पूज्य देवी जी से निवेदन, और एक बार सभी प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री कृष्ण जय गौ माता, जय श्री राधे। आइए सभी इस कथा के
विश्राम की ओर अग्रसर होते हुए आज कथा के प्रथम दिन में आप हम सब ने भागवत के महात्मा को श्रवण किया। इस कथा का वास्तविक फल क्या है, इसको सुनने से ज्ञानी वैरागी और धुंधकारी जैसा पापी भी उद्धार जिसका हो जाता है इस कथा के माध्यम से, उस पावन कथा को आप हम सब विगत 7 दिनों तक श्रवण करने वाले हैं। आज कथा का विश्राम करते हुए हम कल प्रथम स्कंद से प्रारंभ करेंगे। सबसे प्रार्थना है सभी भाव और श्रद्धा के साथ आए, समय पर आए, समय का ध्यान रखते हुए। आज थोड़ा त्योहार भी है, आप सबके दशहरा का पर्व है, नवरात्रि का पर्व है, लेकिन कल आप सभी अपने आस पड़ोस सभी को निमंत्रण दें और सभी इस कथा का आनंद लें। आइए सभी कथा को विश्राम करते हुए कुछ क्षणों के लिए श्री ठाकुर जी के नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम राम राम।
सभी दोबर हाथ उठाकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हुए, हरे कृष्णा हरे श्री रामचंद्र भगवान की जय।